डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, एक्सरसाइज 80 का कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था। ये क्लास 5 का मैथ है और ये चैप्टर 17 है। 17 चैप्टर का एक्सरसाइज 80 है, जिसमें से मैंने चार क्वेश्चन आप लोगों को दिया था बना के, और इसमें से रह गया है ये। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने यहाँ कम्प्लीटली लिखा नहीं है आपको, मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका क्वेश्चन जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो क्वेश्चन का शुरुआत जो है आप इसको मिला सकते हैं, मिस्टर स्मिथ हैज़ ए बेकरी। तो मिस्टर स्मिथ का एक बेकरी रहता है, जिस उसका बेकरी का शॉप रहता है, तो अलग अलग केक बनाता है। यहाँ पे चॉकलेट केक है, चीज़ केक है, आइसक्रीम केक और लॉग केक, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का केक है उसके पास। तो एक दिन में वह चॉकलेट केक 30 बनाता है, ये 40, ये 15 और ये 20, इस तरह से। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है। ये सिंबल है और वन सिंबल को रिप्रेजेंट करना है, और उसमें 10 केक्स, एक सिंबल का मतलब है कि 10 केक दिखाना है। तो यहाँ पे केक्स का ये पिक्टोग्राफ बनाया हुआ है, पिक्टोग्राफ में इसको दिखाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन का चार्ट बना हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, और ये इसका जो है पिक्टोग्राफ बनाया हुआ है केक्स का, आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसका छोटा सा पिक्टोग्राफ बनेगा क्योंकि इसका रिप्रेजेंटिंग जो है, ये सिंबल जो है बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। इसका एक सिंबल में 10 केक्स दिया हुआ है, इसीलिए इसका पिक्टोग्राफ जो है छोटा बन रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग केक्स है, चॉकलेट केक हो गया, चीज़ केक हो गया, आइसक्रीम और ये लॉग केक हो गया। तो यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो एक सिंबल में 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 का मतलब हो गया कि 30 हो गया, 30, और इस तरह से यहाँ पे ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, और यहाँ पे 15 रिप्रेजेंट करना है, तो एक पूरा बना हुआ है और एक तो हाफ बना हुआ है। इससे पता चलेगा कि ये 15 रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे 20 रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ नीचे में, हियर वन सिंबल रिप्रेजेंट्स 10 केक, ये सिंबल जो है एक सिंबल 10 केक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी पूछा गया है इससे संबंधित, तो उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ए नंबर का क्वेश्चन जो है 10 हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर बी में इसको पूछा गया है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 180 रुपीज़ इसका आंसर हो रहा है। उसके बाद सी नंबर में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 320 से 60 को माइनस किया गया है, तो यहाँ पे 260 रुपीज़ ये आंसर हो जाएगा सी का। और डी नंबर में 105 केक्स, ये डी नंबर का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो जाता है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें रन्स स्कोर्ड बाय, तो इसमें कुछ खिलाड़ियों का पिक्चर दिया हुआ है, उनका नाम भी दिया हुआ है, विराट कोहली है, युवराज सिंह, धोनी और रोहित शर्मा। तो इन लोग कितने रन बनाए हैं इसके बारे में दिया हुआ है। तो विराट कोहली 144, ये युवराज सिंह 72, धोनी 90 और रोहित शर्मा जो है 108, इस तरह से रन बनाए हैं। तो उसको इसको भी एक पिक्टोग्राफ में दिखाना है, और वन एक बैट सिंबल दिया हुआ है, वन सिंबल फॉर 18 रन्स, एक बैट सिंबल का मतलब है कि 18 रन्स रिप्रेजेंट करेगा। और क्रिकेट प्लेयर यहाँ पर जो है इसका एक पिक्टोग्राफ बनाया गया है, इसको भी पिक्टोग्राफ बनाने के लिए कहा गया है। तो ये पिक्टोग्राफ जो है ये है, ये स्क्रीन से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा जूमिंग कम करेंगे। ये पिक्टोग्राफ जो है अब यहाँ पे कम्प्लीटली हमारे स्क्रीन पे आ रहा है। क्रिकेट प्लेयर्स, यहाँ पे क्रिकेट प्लेयर्स का जो है ये इसका रन जो है उसका पिक्टोग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पे ये बैट सिंबल छपा हुआ है विराट कोहली का 18, तो मतलब 144, तो यहाँ पे 8 जा 144 होता है, तो इसका मतलब है कि 8 सिंबल देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है। और यहाँ पे 18 4 जा 72 हो गया, तो यहाँ पे 4 सिंबल, यहाँ पे 18 5 जा 90, तो 5 सिंबल, और यहाँ 18 6 जा 108, तो इस तरह से ये सिंबल देके इसको बनाना है। यहाँ पे दिया गया है, हेयर वन सिंबल रिप्रेजेंट्स 18 रन, एक सिंबल का मतलब है 18 रन्स। और यहाँ पे कुछ आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसका ये आंसर नीचे दिया हुआ है। ए नंबर का विराट कोहली 144 रन्स, युवराज सिंह बी नंबर में 72 रन्स, और सी नंबर में 414 रन्स, और डी नंबर में 108 रन्स, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप क्वेश्चन बुक से देख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द, क्वेश्चन यहाँ पे आगे और बढ़ा है, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये चार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर जो है पहले ही इसमें आंसर पूछा गया है, ए में 40 स्टूडेंट्स, बी में मंडे हो गया, सी में वेडनेसडे, डी नंबर में 40 स्टूडेंट्स इसका आंसर हो गया, ए बी सी डी तक आंसर हो गया, और ई नंबर में एक्चुअली
इसमें लास्ट में ड्रॉ ए पिक्टोग्राफ, इसमें पिक्टोग्राफ दिखाने के लिए कहा गया है क्लास फोर के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं क्लास थ्री, क्लास फोर, क्लास फाइव के लिए दिया गया है, तो ये क्लास फोर के लिए पिक्टोग्राफ सिर्फ बनाने के लिए कहा गया है। और वन सिम्बॉल रिप्रेजेंट करना है फोर स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं ये इसका पिक्टोग्राफ कैसे बनता है। इसका पिक्टोग्राफ यहाँ पे दिया गया है डेज ऑफ वीक, यहाँ पे दिन का नाम दिया गया है, इसलिए डेज ऑफ वीक, ये वीक यहाँ पे दिया गया है। और इसमें हियर वन सिंबल रिप्रेजेंट फोर स्टूडेंट, फोर स्टूडेंट को दिखाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे मंडे को 30 स्टूडेंट है, तो फोर के टेबल में जो है 30 नहीं आता है, तो वहाँ पर लास्ट में इसमें हाफ दिया गया है, फोर सेवन जा 28 हो जाता है, और हाफ देने से ये हो गया टू, तो 28 और टू 30 हो गया, और यहाँ पे फोर के टेबल में ये आ जाता है 28 इसमें आता है, तो सेवन तक हो गया, और यहाँ पे 40, तो 10 बार, तो 10 टाइम ये सिंबल देना है इसमें। और उसके बाद थर्सडे को 32, तो 8 बार, और 36 के लिए 9 बार यहाँ सिंबल दिया हुआ है। तो ये पिक्टोग्राफ क्वेश्चन नंबर 7 का है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कम्प्लीट हो जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 80 का, और यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से मदद मिल रहा है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह का और वीडियो मैं लाता रहूँगा, तो अगले एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।